क्विज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, 2023 ईयर ऑफ द अवार्ड्स है हमारे लिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। हमने हैट्रिक कर दिया है, ये तीसरा अवार्ड है जो बीच में आप देख रहे हैं, ये टेक क्रिएटर ऑफ द ईयर 2023। हम बहुत ही ऑनर्ड, बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे भी टेक क्रिएटर मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, हम बहुत टाइम से यूट्यूब में काम करें, बट जो मिल गया ये बहुत बहुत आप लोगों का सपोर्ट है। और ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ये तो सिर्फ एक मोटिवेशन वाली बात है, बाकी तो हम हमारे काम पर ही फोकस करते हैं। ये मिलने से हमारा कुछ वो नहीं हो गया, हम तो जैसे वैसे ही है और वो वैसे ही रहेगा। बस इतना है कि अच्छा लगता है, कि ऐसा लगता है कि हाँ भाई, 8 साल में एटलीस्ट चलो अवार्ड्स मिल गए, कुछ तो अच्छा किया, एक अचीवमेंट से सबको बताने के लिए और खुद प्राउड फील करने वाली एक बात है। तो बहुत हो गया, आप सपोर्ट करिए गर्मा गर्म। दोस्तों, खबरें आपके लिए लाया हूँ, बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़, हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ भी यहाँ पर डाले हैं, अगर आपने नहीं देखा अभी भी देख लीजिए। ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और फटाफट से आज की डेट न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं OnePlus से। OnePlus Nord 3, Nord C3 इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, जुलाई के अंदर हमें कभी भी देखने को मिल सकते हैं। उनका ऑफिशियल Amazon वाला पेज भी बाहर आ गया है, उनका कुछ लैब वगैरह भी सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है। अब OnePlus Nord 3 जो है दोस्तों, उसकी प्राइस यहाँ पर लीक हो गई है इंडियन वेरिएंट की। बताया जा रहा है कि जो 8120 बेस वेरिएंट होगा वो 32999 का होगा, और एक 16GB वाला वेरिएंट होगा 256GB स्टोरेज, वो 37000 का होगा। अब प्राइस डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 40000 तक शायद नहीं जाएगा, क्योंकि OnePlus 11R ऑलरेडी घूम रहा है, वो उसको डेफिनेटली 35000 की रेंज पर लेके आएंगे। उससे पहले अगर आपको अनबॉक्सिंग देखनी, हमने कर दिया है, यहाँ पर आपको कार्ड मिल जाएगा, आप देखिए। बाकी इस वाले फ़ोन के बारे में अगर आपको और कुछ जानना है, इंडियन यूनिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट करके जरूर बताना। YouTube की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि YouTube में अभी आजकल जितने भी जो फैन चैनल्स होते हैं या जो डुप्लीकेट चैनल्स होते हैं, जैसे कि मैं टेक्नोरूवेस हूँ, मेरे कोई फैन चैनल है जिन्होंने मेरे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया, या कोई डुप्लीकेट चैनल है जो मेरे वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं, तो YouTube अब उनको चलने नहीं देने वाला है। जी हाँ, कुछ सर्टन रूल्स एंड क्राइटेरियाज होंगे उन लोगों के लिए अगर वो इस तरीके का काम करते हैं, यानी कि फेक चैनल्स अब आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, फैन चैनल्स अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जेन्युइन क्रिएटर्स हैं वही लोगों के कंटेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। हाँ, मानते हैं फैन चैनल्स ही के लोग पसंद करते हैं हमें, और उस हिसाब से काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ जो बड़े बड़े उनके होते हैं, बट स्टिल विदाउट परमिशन अगर ये सारे काम करना, कभी कभी कोई गलत वीडियोज़ भी डाल देता है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और ये 21 अगस्त से इस साल लागू हो जाएगा, तो अच्छा है ये चीज़। वैसे आपके उसके बारे में कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। Redmi Note 13, जी हाँ, Redmi Note 12 सीरीज आई थी, अब 13 सीरीज की बातें यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू IT होम, एक यहाँ पर लिस्ट सामने निकल कर आई है जिसमें काफ़ी सारे फोन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें जो चीज़ हाईलाइट की गई है येलो में, उसमें Xiaomi लिखा है, आ गया सिर्फ मॉडल नंबर मेंशन है। बताया जा रहा है कि ये Redmi Note 13 सीरीज होगा, क्योंकि जो 12 सीरीज आया था उससे ये मॉडल नंबर काफ़ी मिलता जुलता है, तो आगे पीछे करके Redmi Note 13 सीरीज हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी IT होम वाले थोड़ा सा लीक्स जब देते हैं थोड़ा ऑथेंटिक रहता है, हो सकता है ये सच भी हो, हमें हो सकता है कि कुछ महीनों में Redmi Note 13 सीरीज भी देखने को मिलेंगी, बाकी इसके बारे में अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं पता है। अगर आप JioPhone 5G का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली ये रियलिटी में बदल सकता है। हाल ही में JioPhone 5G के फर्स्ट लुक यहाँ पर बाहर आ गए, जी हाँ, लाइव फोटोज आ गए, आप खुद देख सकते हैं, JioPhone मेंशन है यहाँ पर। ये एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन होने वाला है, वो अपना JioPhone आया था ना, कौन सा था साकिब, JioPhone नेक्स्ट, ओ माय गॉड, वैसा ना हो बस। तो ये दोस्तों 5G फोन होगा जिसमें Dimensity 700 होगा, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले आप देख सकते हैं, और भी इसमें बाकी के स्पेक्स ठीक ठाक होगी। अब ऐसा बोलते हैं कि अंडर 10,000 की कैटेगरी पर होगा तो अच्छा है, अगर अंडर 10,000 आता है तो ऐसे कोई चिपसेट वाले फोन अभी अंडर 10,000 नहीं है जो Dimensity 700 दे रहा है, तो लावा वाला थोड़ा ऊपर है। तो देखते हैं, अगर ऐसा करते और जियो वाले अच्छी प्राइस पर लेके आते, कुछ अच्छी सर्विसेज देते तो मजा आएगा। अगर आप Amazon इस्तेमाल करते हैं तो Amazon वालों ने हाल ही में एक नई सर्विस यहाँ पर निकाली है उन लोगों के लिए जिनके पास 2000 रुपये के नोट्स घर के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए और कुछ रास्ता आपको नहीं मिल रहा है कि यार बैंक में कौन जाएगा लाइन लगाने या इधर उधर कैसे उसको एक्सचेंज करूँ। कोई बात नहीं, आप Amazon के ऊपर क्या करना है, आपको कुछ भी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर देना है, उसके बाद आप जो कैश ऑन डिलीवरी बंदा आता है आप उसको अपनी 2000 की पुरानी नोट्स दे सकते हैं और वहीं पर आपको वो आपके Amazon पे बैलेंस में जितना आपने पैसा दिया है वो डिपॉजिट करके दे देगा। तो ये उन्होंने कुछ स्कीम्स यहाँ पर निकाली है, इनकेस अगर आपके पास कोई रास्ते नहीं है तो आप ये वाले चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कैश ऑन डिलीवरी कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कहीं
ना कहीं, बट एटलीस्ट उन लोगों के लिए सही है, 5 से 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा, घर पे आते ही मतलब 2000 रुपए के नोट आपको एक्सचेंज करके दे देगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो मुझे बताइए दोस्तों कि आपके पास 2000 रुपए के नोट अभी भी रखे हुए, आपने एक्सचेंज कर दिया या नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर तक टाइम है, हमने तो दे दिया है जो बची कुची थी, आप अपने कमेंट में जरूर बताना। जेसीबी, जेसीबी के बारे में तो आपने सुना ही रहेगा, वो फौड़ा, बड़ा वाला फौड़ा करके जमीन में से जो निकलता है, हाँ, तो वो कंपनी जो है जेसीबी ने अपना एक टफ फोन लॉन्च करी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, जेसीबी टफ फोन मार्केट में आ चुका है, और ये इंडिया में नहीं बाहर आया है। इसमें फीचर्स बहुत ही अलग है, मतलब चिपसेट तो ठीक ठाक है, लेकिन इसमें आपको MI LSTD वगैरह मिलता है, और 12000 mAh से ज़्यादा उसमें बैटरी है, मतलब आप सोचो कितना मजबूत, कितना टिकाऊ ये स्मार्टफोन आपको मिलता है। और इसकी जो प्राइस जो बाहर की तरफ, इसमें दो है, टफ फोन है और टफ फोन प्रो वगैरह है, तो कुछ अराउंड 30,000 से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर एक 50-60,000 वाला भी है। तो जेसीबी वाले खुदाई करते करते उनके दिमाग में आ गया कि क्यों ना एक स्मार्टफोन ही खोद डाले। Nothing Phone 2, जी हाँ दोस्तों, ये फोन अभी हमें कुछ दिनों में देखने को मिलने वाला है, हम उसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए बड़े एक्साइटेड है। हाल ही में दोस्तों Nothing Phone 2 जो है उसकी प्राइस यहाँ पर ऑनलाइन लीक हो गई है, और ये मुझे फेक लगता है, और ये बस खाली जबरदस्ती किया जाता है ज़्यादा प्राइस दिखाने के लिए, बाद में कम प्राइस पर लॉन्च होता तो बोलते अरे यार क्या यार इतनी प्राइस लीक हुई थी, इतने कम में लॉन्च किया। ऐसा गेम पहले आपको बताओ कौन खेलता था? Xiaomi वाले, हाँ Xiaomi वाले खेलते थे। एनीवेज यहाँ पर प्राइस लीक हुई है जो कुछ 65,000, ये ग्लोबल है, यूरोप के प्राइस है, मुझे नहीं लगता कि इतना महंगा भी होगा, और हायर वाला तो 76, मुझे नहीं लगता Nothing वाले इतने महंगे फ़ोन लॉन्च करेंगे। और तो एनीवेज तो ये लीक हुआ है, और बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है, बाकी इंडिया की जो प्राइस होगी वो 41-42 तक, ऐसा मुझे पता चला, हो सकता है। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है Nothing Phone 2 को लेकर, कमेंट में ना जरूर बताना। वैसे स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 आया था, फिर स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 आया, फिर उसके बाद स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 आया, तो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 2 भी आने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें फर्क ये होगा कि इसकी क्लॉक स्पीड होगी थोड़ी ज़्यादा होगी, और जीपीयू थोड़ा ट्विक किया जाएगा, जैसे कि स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 3.2 GHz पर है, तो ये 3.36 GHz पर होगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। हमें कुछ फोन्स में ये देखने को मिल सकता है इस साल, ऐसा बोल रहे हैं, बाकी अभी हमें कुछ नहीं पता है कि इस चिपसेट में और क्या कुछ खास होने वाला है। तो स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का इंतजार करते हैं, जो कि अक्टूबर में होने वाला है, उससे पहले आ गया या उसी टाइम पे आएगा, फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर आप आईफोन SE सीरीज के फैन हैं तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। आईफोन SE में हमें 3 फोन्स मिले हैं, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन वाला है 2024 में जो आने की बात हो रही थी, अब ऐसा बोल रहे हैं कि वो नहीं आएगा, जिसमें एप्पल अपने खुद के 5G मॉडम्स लगाने की प्लान कर रहा है, लेकिन अभी तक तो एप्पल क्वालकॉम के ही 5G मॉडम पर डिपेंड है, जहां पर इस वजह से ही ऐसा लग रहा है कि एप्पल वाले शायद आईफोन SE 2024 को, मतलब SE जो 2024 में आने वाला है, उसको शायद नहीं लेके आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। कभी बोलते आएगा, कभी बोलते नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अब कुछ ऐसी खबर आ रही है, अब देखते हैं दोस्तों, हो सकता है 2025 में हमें आईफोन SE 2024 मिल जाए। बट ये वाले आईफोन मुझे थोड़ा सही लगते हैं, छोटे रहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्राइस होती है, और लोगों को जमता भी। वैसे आप बताइए कि आपको आईफोन SE छोटे वाले फोन में इंटरेस्ट रहता है, और क्या आप यूज करते हैं, कमेंट में ना जरूर बताना। सैमसंग गैलेक्सी M34 5G इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च होगा, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जुलाई के अंदर आ जाएगा। अमेजोन के ऊपर इसका पेज भी लाइव हो चुका है, जी हाँ, मतलब ये ऑफिशियल हो चुका है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि इस बार आपको वैसे बड़ी बैटरी जैसे कि M33 में था, इसमें भी शायद वैसी हो सकता है, आपको शायद AMOLED डिस्प्ले मिल जाए, और इसमें कैमरा वगैरह पहले से कुछ अच्छा हो, इंप्रूवमेंट हो, और अंडर 20,000 हो सकता है मे बी ये स्मार्टफोन, अभी इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ M34 अगर आप इंतजार कर रहे हैं, अंडर 20,000 आप वेट करें अच्छे 5G फोन का मे बी, तो सैमसंग की तरफ से ये फोन आने वाला है। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का फास्ट चार्जर चाहिए तो 36 वॉट मैक्स आउटपुट के साथ ड्यूरासेल का अवेलेबल है। इसमें डुअल आउटपुट है, पावर डिलीवरी भी, और साथ में इसमें QC 3.0 वगैरह का सपोर्ट है, 1800 रुपए के आसपास है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो Amazon की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, क्रिकेट 24, जी हाँ, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो क्रिकेट 22 आया है, हम उसमें बहुत खेल रहे हैं आजकल, करियर मोड में आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं। एनीवेज तो ये जो है जून में आने वाला था, 29 जून को, अनफॉर्चुनेटली ये अक्टूबर 5 तक चला गया, तो अक्टूबर 5 में अब क्रिकेट, इतना दूर पता नहीं क्यों इतना लंबा कर दिया उन्होंने, कुछ हो सकता है मेजर बग वग हुआ रहेगा। एनीवेज तो ये अब अक्टूबर 5 को क्रिकेट 2024 आने वाला है। इस बार कुछ थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हो गए, अभी तक तो आजकल मजा नहीं आ रहा है क्रिकेट गेम में, ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट्स होती नहीं। वैसे आप बताइए आपके पास कोई क्रिकेट का गेम है तो कमेंट में जरूर बताएं।
क्या आपको पता है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि डॉल्फिन्स जो होती है उनके खेलने के लिए, जैसे कि हम खेलते तो फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है ना, अगर हमें ऐसा कुछ गेम खेलना होता है, डॉल्फिन जो है वो भी ऐसे कुछ खेलती है, लेकिन वो क्या करती है, जो पफर फिश आती है ना उनको प्रोवोक करती है, फिर वो ऐसी मोटी सी हो जाती है और फिर उसके साथ वो लोग अंदर पानी में खेलते रहते हैं। ये भगवान क्या जुलुम है, फुल लेजेंड स्टाइल है। आज के टाइम से खत्म होती है, आपको आज के टाइम को पसंद आएगी, पसंद है लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।